Hello everybody, this is Suhail Anjum here from the platform of Extreme Commerce once again. और आज एक हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन आवर फर्स्ट मॉड्यूल जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस को सीखने की कोशिश कर रहे हैं टुगेदर विद सम इम्पोर्टेंट टूल्स एंड ऑफ कोर्स वी विल यूज सम इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स एज वेल. और आज मेरा जो ये लेक्चर है बेसिकली हम इसमें क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजेस और क्रिप्टो करेंसीज के वॉलेट्स के बारे में बात करेंगे. कि बेसिकली ये एक इंट्रो लेक्चर है कि हमने टेक्निकल एनालिसिस सीखा. वी स्टार्टेड विद फ्रॉम वेरी स्क्रैच फ्रॉम वेरी बेसिक जिसमें हमने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग व्यू से हमने स्टार्ट किया था ऑफकोर्स. और उसके बाद हम प्रोफेशनल चार्ट सेटिंग की तरफ गए. हमने कैंडलिक स्टडी को देखा और इसके साथ हमने कुछ टूल्स एंड इंडिकेटर्स को भी स्टडी किया. और इन सब एनालिसिस सीखने के बाद जो कि इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज थी या जितना भी हमने स्टडी किया, अब हमारा एक इम्पोर्टेंट स्टेप ये हो सकता है कि हम एक्सचेंजेस पे मूव करें और वहाँ पर अपनी फर्स्ट ट्रेड लेने के बात करें. आज हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, बेसिकली आज हम सिर्फ एक इंट्रो लेंगे कि आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कैसे परस्यू कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में कौन से ऐसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, हाउ कैन यू अर्न योर फर्स्ट डॉलर एंड ऑफ कोर्स मनी मेक्स मनी, सो ऑफ कोर्स यू हैव टू डू सम इन्वेस्टमेंट एज वेल. अगर आप अपनी स्किल्स इतनी अच्छी पॉलिश कर लेते हैं सो यू कैन गिव योर सर्विसेज टू अनदर इन्वेस्टर्स एज वेल और वहाँ से ऑफ कोर्स आप कमीशन बेस्ड काम कर सकते हैं. इन द सेम मैनर वी आर डूइंग वर्क ऑन आवर अमेज़न मॉडल एज वेल. तो इस लेक्चर में बेसिकली जो मेरा एम है, मेरा पर्पस है, वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के बारे में इंट्रोडक्शन है कि हम किन एक्सचेंजेस पे काम कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में, वहाँ पर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, अपने बाय एंड सेल ऑर्डर्स कैसे लगा सकते हैं. ऑफ कोर्स आज हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ट्रेडिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जिसमें मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके बताऊंगा कि आप अपने बाय ऑर्डर ऐसे लगा सकते हो, आप अपने सेल ऑर्डर्स ऐसे लगा सकते हो, आप अपनी ट्रेडिंग में ऑटोमेशन कैसे ला सकते हैं, मतलब कि ऑटोमेटिकली आपके बाय ऑर्डर्स कैसे एग्जीक्यूट हो जाएं और ऑटोमेटिकली आपके सेल ऑर्डर्स कैसे एग्जीक्यूट हो जाएं. से डैट आपने एक चीज़ को बाय करना चाह रहे हो 5 PKR रुपीज़ पे, ठीक है, 5 PKR पे आप बाय करना चाह रहे हो एंड आप कहते हो कि ये मेरी ऑटोमेटिक बाय हो जाए जैसे ही प्राइस 5 PKR पे आए. ओके, देर इज एन ऑप्शन इन ट्रेडिंग कि आपकी एडवांस ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ही वो 5 पे आएगा. इन द सेम मैनर आप चाहते हो कि यार मैं आई एम टू मच बिजी गाय और आई हैव सम अदर चोर्स एज वेल, तो आप चाहते हो कि यार मेरा ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाए 8 PKR पे या 10 PKR पे. आई एम टॉकिंग इन PKR like we but in international forums we will talk in BTC or we will talk in Ethereum or hum USDT mein trading kar rahe honge. To just for easy understanding ke aap kehte ho ki yaar ye 8 rupaye ya 10 rupaye pe jab bhi chala jaye ye mera automatically sell ho jaye, so it's quite possible in trading. To wo aapki trading mein automation aa jayegi. To cryptocurrency ki kuch top exchanges hain. Ab एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग आप एक्सचेंजेस में कर सकते हैं, रादर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है. स्पॉट ट्रेडिंग इज वेरी वेरी सिंपल कि आप एक चीज़ को लो प्राइस पे बाय करते हो और आप एम रखते हो कि मैं यार अब इसे हाई प्राइस पे सेल करना चाहता हूँ, ठीक है. और वो सेम अगर आप कोई प्लॉट लेते हो, आपने 10 लाख का प्लॉट ले लिया या 20 लाख का ले लिया, नाउ यू आर विद योर पेशेंस, आपने पेशेंस इख्तियार की हुई है और आप कहते हो कि यार विद द पैसेज ऑफ टाइम इस मेरे प्लॉट का, ये मेरे एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, तो आप एक्सपेक्ट करते हो विद इन 1 year 2 year या जो भी टाइम फ्रेम में आप कहते हो कि ये ऊपर चला जाएगा, तो आप उसको सेल कर देते हो. से डैट आपने 1 million का बाय किया था एंड नाउ योर एक्चुअल वर्थ ऑफ योर प्लॉट आफ्टर 2 year और 1 year इज 2 million, तो आपके प्लॉट की वर्थ बढ़ गया. तो स्पॉट ट्रेडिंग यही है कि आपने लो पे बाय करके हाई पे सेल कर देते हो. तो ये इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रेडिंग, वी कॉल इट स्पॉट ट्रेडिंग, जो एग्जिस्ट करती है इन एक्सचेंजेस में. और इसके बाद एक्सचेंजेस में एक्सचेंज में एक फ्यूचर्स ट्रेडिंग के नाम से भी
बिल्कुल ट्रेड किया जाता है एंड आई विल हाईली नॉट रिकमेंड टू बिगिनर्स बिकॉज मैं इस फील्ड में 3 साल से हूँ। मैंने काफ़ी सारे लॉसेस की बिना पे कह रहा हूँ कि अगर आप कोई क्रिप स्कीम से क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में आए हो तो प्लीज़ आप किसी और जगह पे अपना टाइम लगा लें। इट्स नॉट अ क्विक रिच स्कीम। फ्यूचर ट्रेडिंग इज़ वेरी रिस्की ट्रेडिंग बट लेकिन अगर आप प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो कि हमने अपने एक प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आप अपनी बेसिक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैसे मैनेज कर सकते हो, तो अगर आप उसके साथ इसको करेंगे तो आपका एक अच्छा चांस है। लेकिन अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड और लक को बार बार आजमाएंगे कि इट्स सेम सेम लाइक कसिनो, सो मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग बिगिनर्स को रिकमेंड नहीं करता। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये भी एक टाइप की ट्रेड है। आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप लीवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस इन आवर, क्योंकि जो हमारा सेकेंड मॉड्यूल है वो एडवांस लेवल की ट्रेडिंग पे है जिसमें हम ऑफ कोर्स लीवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग को डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये 3-4 टाइप्स हैं जो हम कर सकते हैं। आपका मेनली फोकस फिलहाल सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग पे होना चाहिए कि हम अपना फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट कैसे बाय कर सकते हैं और उसको कैसे सेल कर सकते हैं। बकाया चीज़ें तो साइड पे हैं। तो इनमें से जो एक्सचेंजेस हैं, ऑफ कोर्स अगर आप पाकिस्तान में हैं तो कुछ एक्सचेंजेस पाकिस्तान में बैन है। एक्चुअली में पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि हम अभी नहीं तेरे, लेकिन कुछ एक्सचेंजेस काम कर रही हैं जैसे बाइनेंस वर्किंग परफेक्टली फाइन इन पाकिस्तान, बिटमैक्स वर्किंग परफेक्टली फाइन ओवर देयर। बिटमैक्स में आप स्पॉट ट्रेडिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे आप लेवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, दिस वन ऑफ द गुड एक्सचेंजेस आल्सो, मेरा ख्याल है मैंने नहीं लिखी, बिटरेक्स एक्सचेंज आल्सो गुड, वहाँ भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद पाकिस्तान में बिटरेक्स काम करनी छोड़ गई है। तो ये कुछ एक्सचेंजेस हैं। अपबिट इज़ अ वेरी गुड एक्सचेंज। अपबिट पे आप ये इस टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको वहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग्स भी मिल जाएगी, आपको लीवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग भी मिलेगी। ऑफ कोर्स कॉइन बेस प्रो, एक कॉइन बेस प्रो इज़ वन ऑफ द गुड एक्सचेंज, क्यू कॉइन इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एक्सचेंज। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फिलहाल आप ये कुछ एक्सचेंजेस हैं, इसके अलावा और बहुत सी एक्सचेंजेस हैं, डिपेंड करते हैं कंट्री टू कंट्री भी लोग यूज़ करते हैं, बट आई विल हाईली रिकमेंड कि आप फिलहाल जस्ट फोकस ऑन बाइनेंस। बाइनेंस पे आपको हर तरह की ट्रेडिंग मिल जाएगी। रादर यू वांट टू डू स्पॉट ट्रेडिंग, आप बाइनेंस पे कर सकते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग आप बाइनेंस पे कर सकते हैं। आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाइनेंस पे ट्रेडिंग लोन लेके भी कर सकते हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग बट वी कैन डिस्कस। तो आपने बाइनेंस पे फोकस करना है। तो एक्सचेंज का मतलब क्या है? बेसिकली एक डिफरेंस हम और भी समझ लेते हैं कि एक्सचेंज में और वॉलेट में क्या डिफरेंस है। देखिए, वॉलेट ऐसा ही है जैसे आपकी पॉकेट में एक आपका हार्डवेयर वॉलेट है, सॉरी आपके पॉकेट में आपका एक लेदर वॉलेट है, ठीक है। आपने उसमें पैसे रखे हुए हैं एंड नाउ आपने आपके वो पैसे सेव हैं अगर आप खर्च नहीं कर रहे, ठीक है। ये आपका एक वॉलेट है, से डैट किसी ने आपको 100 रुपीज़ दिए हैं, मैं आप कहते हो कि यार मैंने अपने वॉलेट में सेव रखे हुए हैं, ठीक है, आपने 100 रुपीज़ सेव कर लिए हैं। सिमिलरली आपको किसी ने $100 दिए हैं, आपने अपने वॉलेट में सेव कर लिए हैं, वो जी मेरे वॉलेट में $100 हैं। तो इन द सेम मैनर के वॉलेट में आप अपने एसेट को सेव कर रहे हो अनटिल अनलेस यू आर नॉट गोइंग समवेयर और यू आर नॉट गोइंग सम शॉप कि आप वहाँ पे जाके कुछ एक्सचेंज कर सको। लाइक आप किसी शॉप पे जाते हो, आपने एक्सचेंज करने हैं 100 रुपीज़ के बदले में आप कुछ लेना चाहते हो, ठीक है, आप कुछ भी लेना चाहते हो, आप चॉकलेट्स लेना चाहते हो, आप 100 रुपीज़ में आप कहते हो कि जी वो आप शॉपकीपर के पास जाते हो, आप कहते हो कि जी मुझे 10 चॉकलेट्स चाहिए, ईच हैव वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़। तो आप 10 चॉकलेट्स बाय कर लेते हो और उसको क्या देते हैं 100 रुपीज़। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक्सचेंज की है कोई ना कोई चीज़ कि शॉपकीपर ने आपको इन रिटर्न कुछ दिया है और आपने उसको 100 रुपीज़ दिए हैं। तो वॉलेट और एक्सचेंज में फ़र्क ये है कि वॉलेट में आप अपने फंड को सेव रखते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ वॉलेट्स आपको ट्रेड का भी ऑप्शन देते हैं, लेकिन मोस्टली पर्पस ऑफ द वॉलेट्स इज यही कि फर्ज करें आपके पास बिटकॉइंस हैं, आपके पास यूएसडीटी है, आपके पास एथेरियम है या कुछ भी है,
आप कहते हो कि यार मैंने ट्रेड नहीं करना, मैं वॉलेट में सेव रखना चाहता हूँ, ठीक है। देर आर मैनी वॉलेट्स जिसमें कॉइन बेस वॉलेट है, ब्लॉकचेन वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, एटॉमिक वॉलेट है, इलेक्ट्रम वॉलेट है। मैं ये चाहता हूँ कि आप इन वॉलेट्स पे अकाउंट्स बनाएं, ब्लॉकचेन वॉलेट पे अकाउंट बनाएं, ट्रस्ट वॉलेट पे अकाउंट बनाएं, एटॉमिक वॉलेट पे अकाउंट बनाएं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम अमेजोन पे अपना अकाउंट बनाते हैं विद आवर KYC, और या हम फेसबुक वगैरह पे भी अकाउंट बनाते हैं विद योर ईमेल एंड पासवर्ड एंड द बेसिक जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन जो अच्छे वॉलेट्स हैं वो आपका KYC लेते हैं, ऑफ कोर्स वो आपका CNIC उन्हें ले CNIC या आपका पासपोर्ट वगैरह भी रिक्वायर करते हैं। तो इनके कुछ लेवल्स भी होते हैं कि आप इतने लेवल की KYC पास करेंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ा देते हैं कि आप लेवल 1 या लेवल 2 पे कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कॉइन बेस पे अकाउंट बनाएं, ब्लॉकचेन वॉलेट पे अकाउंट बनाएं ताकि आप अपने फंड को कैसे सेव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम ये लाइव भी देखेंगे कि आप अपना फंड ट्रांसफर, डिपॉजिट, विड्रॉल आप कैसे कर सकते हो इसमें। वो बहुत इजी है, सेम सेम लाइक कि आप माशाल्लाह सब मेच्योर हैं, लाइक आपको पता है आपके बैंक्स वगैरह हैं, आप बैंक्स में कैसे फंड करते हैं। बैंक ने आपको एक स्पेसिफिक आपका बैंक अकाउंट नंबर दिया है, फर्ज करें आप HBL या UBL के बैंक में, तो आपका एक स्पेसिफिक HBL बैंक अकाउंट नंबर है और आप किसी को कहते हो कि यार मेरे बैंक में आप इतने PKR को डिपॉजिट कर दो, तो आप अपना बैंक अकाउंट देते हैं और वो बंदा आपको PKR डिपॉजिट कर देता है उस बैंक नंबर पे जो आपका दिया होता है। सेम इन द सेम मैनर ब्लॉकचेन वॉलेट में जब हम आएंगे, हम किसी को कहेंगे कि यार आप हमें BTC हमारा ट्रांसफर कर दो, जो हमने आपसे बाय किया हुआ है, आपने उसे कैश में पे किया हुआ है, उसके पास BTC है, तो आपका एक BTC एड्रेस होगा आपके वॉलेट के अंदर, वो आपको उस एड्रेस पे बिटकॉइन को ट्रांसफर कर देगा। ये हम लाइव भी करके देखेंगे, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये ऑपरेट होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट हम मैं क्लियर करूंगा एक वीडियो में कि हाउ क्रिप्टो करेंसी इज द बिगेस्ट एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन वर्ल्ड, कि ये कैसे ब्लॉकचेन के साथ लिंक है। तो आई होप कि मैं एक्सचेंजेस और वॉलेट्स का आपको फर्क बता रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर वॉलेट्स हैं, इस पे आप सॉफ्टवेयर का लिए, ऑनलाइन वॉलेट्स में है कि आप इन पे अकाउंट अपनी ईमेल और पासवर्ड एंड KYC लाइक नो योर कस्टमर के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर वॉलेट सेलेक्ट करते हैं, प्लीज डोंट गिव दैट ईमेल टू एनीवन और शेयर दैट ईमेल विद एनीवन। बस अपने पास रखें एक स्पेसिफिक ईमेल जिस पे आप अकाउंट क्रिएशंस कर रहे हैं। अच्छा, आप इस फील्ड में परस्यू करते हो और काफ़ी अच्छा आपने गेन कर लिया है, तो आप अपने फंड्स को मोर एंड मोर सिक्योर भी कर सकते हो अपने क्रिप्टो करेंसी एसेट्स को। वहाँ पे हम हार्डवेयर वॉलेट्स को यूज़ करते हैं जिसमें ये कुछ हार्डवेयर वॉलेट्स हैं, दीज आर वन ऑफ द बेस्टेस्ट वॉलेट्स आई फिगर आउट फॉर यू। लेजेंड नैनो एक्स है, लेजेंड नैनो एस है, ट्रेजर वॉलेट है, ये सेम सेम लाइक एक USB बेस्ड वॉलेट्स आप इन्हें कह सकते हैं जिसपे आप अपना फंड को हार्डवेयर कली सेव करते हो। ठीक है, आने वाली कुछ बोनस वीडियो में मैं बता सकता हूँ कि लेजेंड नैनो एस को आप कैसे ऑपरेट कर सकते हो और यहाँ पे आप अपनी प्राइवेट की को कैसे सिक्योर करके फॉर द लाइफ टाइम अपने फंड को कैसे सेव कर सकते हो या जितने भी अरसे के लिए सेव कर सकते हैं। तो अभी तक की समरी ये है कि हमने क्रिप्टो करेंसी कुछ एक्सचेंजेस डिफाइन की जिसपे मैंने आपको बताया कि ये कुछ हमारी ट्रस्टेड एक्सचेंजेस हो सकती हैं जिसमें हम काम करेंगे। यू कैन राइट नोट डाउन राइट कि और मैंने आपको बताया कि आप बाइनेंस पे फोकस रखें कि बाइनेंस पे आपको हर तरह की ट्रेडिंग मिल जाएगी। जस्ट स्टार्ट विद द बाइनेंस, देन लेटर ऑन जब हम मॉड्यूल 2 पे होंगे वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट द बिटमैक्स। जब आप अपने एडवांस लेवल की ट्रेडिंग भी होंगे जिसपे हम लेवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग को भी देखेंगे, तो वी कैन आल्सो गो ऑन बिटफिनिक्स एज वेल। तो क्रिप्टो एक्सचेंज पे हम बाय एंड सेल करते हैं, ऑफ कोर्स वहाँ पे प्रॉफिट्स कैसे बना सकता है वो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग से समझाऊंगा। और मैंने आपको वॉलेट्स के बारे में बताया, कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वॉलेट्स में आपको फ़र्क बताने की कोशिश की है इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, और मेरा ख्याल है कि आपको वॉलेट्स एंड एक्सचेंज में एक डिफरेंस पता चल गया होगा। ये देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक बाइनेंस एक एक्सचेंज है इस पे मैंने अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है। आपने भी फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनेंस पे अकाउंट बनाना है,
आप बाइनेंस पे जो अकाउंट है रेफरल लिंक से भी बना सकते हैं, जिसी का किसी का अगर मेच्योर अकाउंट है, अगर आप उसके रेफरल चाहेंगे तो आपको ट्रेडिंग फीस में थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। मैं अपना भी रेफरल लिंक नीचे पेस्ट कर दूंगा, आप वहां से अकाउंट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। अदरवाइज यू कैन क्रिएट योर इंडिविजुअल अकाउंट एज वेल। तो ये एक बाइनेंस का इंटरफेस है, यहाँ पे हम मार्केट्स सारी देख सकते हैं और जितनी भी मार्केट्स हैं ये हम अपने जो हाउ टू ट्रेड ऑन बाइनेंस, हाउ टू बाय योर फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट एंड हाउ टू सेल योर फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट, और ये सारी चीज़ें हम अपनी लाइव ट्रेडिंग के सेशन में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके बाद हम इसमें क्लासिक एडवांस ट्रेडिंग ये ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, ये तो एक एक्सचेंज है जो मैंने आपको बताया कि आपने अपना केवाई के साथ इस पे बकायदा अपना अकाउंट बनाना है, अपनी आपकी रियल क्रेडेंशियल्स जो हैं आपकी रियल आइडेंटिटी के साथ, दे विल बी नीडिंग योर केवाईसी, लाइक उसमें आप CNIC और पासवर्ड वगैरह देंगे। सिमिलर इन द सेम मैनर ये एक blockchain.com, ये एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड को कीप रख सकते हैं। इस पे भी आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है ब्लॉकचेन वॉलेट पे, जैसे जहाँ पर आप ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स दे रहा है कि आपने ये आप एसेट अपने इस वॉलेट में रख सकते हो, आप बिटकॉइन रख सकते हो, आप एथेरियम रख सकते हो, बिटकॉइन कैश रख सकते हो, यहाँ पर आपको ये सारी की सारी जो क्रिप्टो करेंसी आप इसमें रख सकते हैं रख सकते हैं। ऑफ कोर्स आप कैसे रख सकते हैं, फर्ज करें मैं ये बिटकॉइन को मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक आपका रिसीविंग एड्रेस है, एक आपका सेंडिंग एड्रेस है, और ये मेरी भी कुछ ट्रेड हिस्ट्री है कि जो जितना भी मैंने अभी तक ट्रांसफ़र किया हुआ है या रिसीव किया हुआ है वो सारी की सारी ट्रेड हिस्ट्री आप यहाँ से कभी रिमूव नहीं कर सकते। ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, ये जब अब से लेकर जितना मैंने BTC सेंड किया है, जितनी भी मेरी ट्रेडिंग हिस्ट्री थी वो आप यहाँ से देख सकते हो। इन द सेम मैनर जितना मैंने रिसीव किया है या मैं एक्सचेंजेस पे कोई भी अपना बिटकॉइन मैंने अर्न किया है तो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता होता था, तो मैं यहाँ से सेल भी कर देता होता था किसी को सेंड करने के बाद। तो ये सारी की सारी ट्रेड हिस्ट्री आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपने बिटकॉइन लेना कैसे है, इट्स वेरी सिंपल कि चलें ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम डिपॉजिट और विड्रॉल एक्सचेंजेस में और वॉलेट्स में कैसे कर सकते हैं। तो आई होप कि जो मैंने यहाँ तक चीज़ें डिस्कस की हैं कि हमने जो फ़र्क जानने की कोशिश की है कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस कौन कौन सी हैं, प्लीज़ आप इनको नोट डाउन कर लें। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड कि हम एक ये बिगिनर मॉड्यूल को डिस्कस कर रहे हैं, और आप कहीं भी हैं तो बाइनेंस इज़ अ वेरी गुड एक्सचेंज, अब एक्सेप्ट यूएसए में उन्होंने binance.us के नाम से एक्सचेंज को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो आप binance पे अकाउंट बनाएं, अपबिट इज़ अ वेरी गुड एक्सचेंज, लेकिन हम स्पॉट ट्रेडिंग में हैं तो binance और बिट्रेक्स विल बी द वेरी गुड ऑप्शन फॉर द स्पॉट ट्रेडिंग। और मॉड्यूल 2 में हम फ्यूचर्स ट्रेंड इस पे जाएंगे, ये काफ़ी रिस्की है लेकिन हाई रिस्क हाई रिवार्ड ऑफ कोर्स। और मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स डू एग्जिस्ट, उसमें भी आप अकाउंट्स बनाएं जिसमें मैंने ब्लॉकचेन एंड कॉइन बेस को आपको हाईली इंकरेज करने की कोशिश की है कि ये काफ़ी ट्रस्टेड वॉलेट्स हैं, आप इन पे बनाएं विद योर प्रॉपर 2FA, उनकी सिक्योरिटी का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि आप गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ उसको यूज़ करें और 2FA के साथ ऑन करें। जिस ईमेल के साथ आप अकाउंट्स बना रहे हैं प्लीज़ डोंट एवर शेयर डैट ईमेल विद एनीवन, और वो ईमेल आप किसी और जगह ना करें। अगर आप इस क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में आ रहे हैं तो आप एक स्पेसिफिक ईमेल जो आप अपने पास ही रखते हैं वो एक सेपरेट क्रिएट कर लें और उससे अकाउंट क्रिएशंस करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमने जो इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स को देखने की कोशिश की है और हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं इंशाल्लाह ये हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे, हम अपना पहला क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट बाय कैसे कर सकते हैं, सेल कैसे कर सकते हैं, ऑटोमेशन कैसे लगा सकते हैं। और ऑफ कोर्स मैं बार बार रिस्क मैनेजमेंट पे आपको इंसिस्ट करता हूँ, और रिस्क मैनेजमेंट पे इंसिस्ट करने का मतलब ये है कि आप अपने स्टॉप लॉसेस वगैरह, ऑफ कोर्स अगर जाते जाते एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि किसी के पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, अब उस 100 रुपीज़ में से उसको ऑप्शन दिया जाता है कि ब्रो आप 100 रुपीज़ में से 20 रुपये लॉस करना मुनासिब समझते हैं
या 80 रुपीज लॉस करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं? आप आंसर दें। ऑफ कोर्स आपने आंसर 80 रुपीज का दिया होगा। ओके, आई एम किडिंग। ऑफ कोर्स वो बंदा 20 रुपीज ही लॉस करना ज्यादा मुनासिब समझेगा एज कम्पेयर टू 80 रुपीज, तो ताकि उसके पास स्टिल बैलेंस 80 रुपीज का बचे। तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट है और हम इसको देखेंगे कि हम हाउ वी कैन मैनेज। लेकिन अगर आप पेशेंस होल्डर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, तो आप कुछ प्रोजेक्ट्स को बाय करें एंड देन विद द पेशेंस होल्ड दैट प्रोजेक्ट्स, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे इन लॉन्गर रन। वी आर विटनेस के बिट आज मैं जिस वक्त ये लेक्चर बना रहा हूँ, टुडे इज संडे नवंबर 8, 2020 एंड बिटकॉइन इस टाइम 15,276, लाइक 15,276 डॉलर पे ट्रेड हो रहा है। और मैं कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, ये बिटकॉइन का चार्ट है। मैं अक्टूबर सितंबर के चार्ट में अगर आ जाऊँ, लाइक वी आर जस्ट 2 मंथ्स अवे, 2 मंथ पहले ये BTC आपको $10,000 पे भी ट्रेड होता नजर आ रहा था। मैं और ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं थोड़ा ही दूर जाऊंगा, लाइक कुछ 6-7 माह पहले पे चला जाता हूँ। एक्चुअली मैं आपको एक पेशेंस होल्डर की पावर दिखाना चाह रहा हूँ कि जो जिस बंदे के पास पेशेंस है रियल लाइफ में और ट्रेडिंग के बिजनेस में कितना अच्छा अर्न कर सकता है। मैं जुलाई में चला जाऊँ अगर से डेट, ये मैंने 20 जुलाई 2020 का एक मैंने मेरा क्रॉस ओवर हेयर है, जिसमें आप देखें कि 9,000 पे ट्रेड हो रहा है और आज कितने पे ट्रेड हो रहा है, 15,000 पे। थोड़ा और पीछे चले जाएंगे, आपको ये काफ़ी डाउन नज़र आएगा। इसी साल में इसने अप्रोक्सीमेटली 5,000 से भी बिलो के लेवल को टच किया हुआ है। तो कुछ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस आपको रियल टाइम में क्रिप्टो करेंसी बाय करने का ऑप्शन भी देती हैं, बनेंस ने भी दिया हुआ है। तो आप देखें कि जब भी प्राइसेस लो हैं, आप यू कैन जस्ट बाय विद योर क्रेडिट कार्ड एंड जस्ट होल्ड दैट एसेट्स फॉर द लॉन्गर रन एंड यू विल बी सेइंग हाउ फ्रूट्स कमिंग ऑन योर वे। तो आप ये देखें कि मैं ज़्यादा दूर नहीं गया, इसी साल 15 मार्च 2020 में आप इसी बिटकॉइन को 4,791 मीनवाइल 4,791 डॉलर पर भी आपने देखा है एंड करंटली हम किस प्राइस पे जा रहे हैं, 15,000 ऑलमोस्ट, राइट, 15,385 ऑफ कोर्स। तो ये पोटेंशियल है BTC का और मैं इस पोटेंशियल को आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा भी देख रहा हूँ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा मांग है। और मैं इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस चीज़ से अवेयर हों। आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप में प्लीज़ टैगिंग मी विद सुहेल अंजुम लाजमी टैग करें। और किसी किस्म का भी क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, आप वहाँ पे पोस्ट करें, इंशाल्लाह आई विल बी देयर फॉर यू ओवर देयर और आपको उसका आंसर किया जाएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ब्लेस्ड।